नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। आपको बता दें कि बीते दिनों गंगा के तटों पर रेलवे की तैयारी करते हुए कुछ छात्रों की तस्वीर वायरल हुई थी। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद कई अखबारों में और कई न्यूज़पेपरों में इस तस्वीर के वायरल होने के बाद ही मीडिया में तरह तरह की सुर्खियां बनने लगी। बिहार में सरकारी नौकरी का कैसा क्रेज है, अगर आप यह बात जानना चाहते हैं तो आपको भी एक बार पटना के गंगा घाटों पर आना चाहिए। यहां आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा जिसकी कल्पना आपने शायद पहले कभी नहीं की होगी। इससे पहले आपने यह देखा होगा कि छात्र या तो अपने घरों में बैठकर पढ़ा करते हैं या किसी प्राइवेट या निजी संस्थान की क्लासरूम में अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं, लेकिन पटना के गंगा घाटों पर आने वाले छात्रों ने इन दोनों स्थानों के अलावा एक नया विकल्प ढूंढ लिया है और अपनी तैयारी के लिए गंगा मैया के किनारों का चयन किया है। जी हाँ, यह बात 16 आने सच है, क्योंकि एक नहीं बल्कि हजारों छात्र शनिवार और रविवार के दिन गंगा घाट पर उपस्थित होते हैं और बड़े ही अनुशासित तरीके से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। छात्रों से जुड़ी ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया में कुछ दिनों से वायरल हो रही है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि छात्र गंगा घाटों की सीढ़ियों पर बैठकर अपने हाथों में किताब लेकर अध्ययन कर रहे हैं। दरअसल ये सभी छात्र रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी करते हैं और यहाँ पर प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, जिसे इनकी भाषा में सेट प्रैक्टिस करना कहा जाता है। छात्रों की यह तस्वीर जहां लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, तो वहीं इनसे दूसरे छात्रों को प्रेरणा भी मिल रहा है। जबकि छात्रों की यह तस्वीर सरकारी नौकरी के प्रति उनके जुनून को भी दिखा रही है और लोगों को यह भी सिखा रही है कि अगर एकाग्रता हो तो लाखों की भीड़ में भी अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहा जा सकता है। वैसे तो ये छात्र काफ़ी पहले से यहाँ आकर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के बीच यह तस्वीर उस दिन वायरल हो गई जब देश के जाने माने बिजनेसमैन हर्ष गोयंका ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसे शेयर कर दिया। हर्ष गोयंका ने ट्विटर पर 4 अप्रैल को इन छात्रों की फोटो को शेयर करते हुए यह लिखा कि पटना में बिहार के बच्चे गंगा तट पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैप्शन में इसे आशा और सपनों की तस्वीर भी बताई थी। उनके द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर को 6100 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया, वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने इसे ट्वीट और रीट्वीट भी किया। इस पर कमेंट करने वाले लोगों की संख्या भी हज़ारों में है। आपको बताते चले कि देश में जितनी भी परीक्षाएं सरकारी नौकरी को लेकर आयोजित की जाती हैं, उनमें से ज़्यादातर परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों में बिहारियों की संख्या अधिक होती है। बिहार की राजधानी पटना सरकारी नौकरी की तैयारी का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ पर राज्य के कोने कोने से आने वाले छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। गंगा किनारों पर आकर तैयारी करने वाले छात्र भी इन्हीं में से हैं, जिनमें से कई तो रोज़ाना आकर यहाँ सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ छात्र शनिवार और रविवार के दिन यहाँ पहुँचकर अपनी तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।